हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेगीवर्स। और मैं हूं आपकी प्यारी सी सुनीता नेगी। हमारा नेक्स्ट डे गांव में नेक्स्ट डे हो गई थी बारिश। और आज की एक्टिविटी है, आज हमें जाना था मंदिर, क्योंकि शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम मंदिर जाने वाले थे। जाने से पहले मॉर्निंग में बारिश हो गई, बाकी हम वेट कर रहे थे बारिश बंद हो तो फिर हम जाएँ। और ये देखो आप, गाँव का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना। पहाड़ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, बट बारिश के बाद तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखिए, ये है हमारी लौकी। और ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा घर। और अब हम चलते हैं मंदिर, लेट्स गो। हाय, सो आज हम करेंगे साड़ी पहन के ट्रैकिंग। हमको जाना है मंदिर और हम आपको दिखाएंगे साड़ी पहन के मंदिर। गाँव बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेंगे दर्शन। और ये हमारे प्यारे प्यारे पहाड़, और पहाड़ों के हम मिलते हैं मंदिर में। अब हम पहुंच गए मंदिर, और आपको पहले अंदर से दिखाते हैं, फिर बाहर का बाद में दिखाएंगे। ये मंदिर है माता भुवनेश्वरी देवी का। ये हमारी कुलदेवी हैं, और यही मंदिर हमारे गांव के ऊपर बना हुआ है। बहुत बहुत प्यारा मंदिर बना रखा है, आप देखो। ये तो हुआ अंदर, और अब चलते हैं बाहर। और बाहर से ये ऐसा दिखता है, देखो दिख रहा है ना प्यारा। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, और ये सुषमा हमारी। और यहाँ से नीचे गांव दिखता है, अब इसमें कैप्चर नहीं हुआ है, बट गांव दिखता है यहाँ से। एंड दैट्स इट, अब हम चलते हैं वापस। चलो अब बैक टू होम। ये रास्ता भाई खतरनाक है, सीखाई है पूरा नीचे तक, बहुत ज्यादा। चलो साड़ी पहन के पहले मेरे को लगा कि आई थिंक मुश्किल होगा ऊपर चढ़ना फिर वापस नीचे आना, बिकॉज रास्ता भी थोड़ा वैसा ही है ना। तो पहनूं नहीं पहनूं, बट देन आई थॉट कि चलो पहन लेते हैं, देखी जाएगी। बट कुछ नहीं हुआ, बड़ा मज़ा आया, बिकॉज मैंने फ्लैट्स भी पहनी थी और रास्ता भी ठीक था। कहीं कहीं पर था टूटा हुआ मिट्टी का, बट बाकी सही था, तो मज़ा आया। आँखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम तेरे प्यार की कसम। और यहाँ चल रहा है बैडमिंटन मैच, ये सेम डे इवनिंग का है। हमने सोचा कुछ किया जाए, तो फिर हमने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया, जिसमें काफ़ी मज़ा आया। मिस्टर हस्बैंड को हराया हमने थोड़ा सा। और ये हैं बब्बू, माय सिस्टर इन लॉ, और मैं। और हमारे पापा किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते। Good. और उसके बाद मैं और ताई जी गए खेलने।
खेत में ये साफ़ करने के लिए, घास साफ़ करने के लिए, सो दैट हम इसके बाद यहाँ पे अदरक लगा सकें। ओहो हो गया हो गया। तो ये खाली क्यों है भाई? अच्छा ऊपर रखते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर ये हाँ। सो ये है हमारा नेक्स्ट डे। हम गए थे कपड़े धोने ऊपर धार में। धार में आजकल थोड़ा पानी कम हो गया है, गर्मियों में ना कम हो जाता है थोड़ा। ऊपर रोड भी बन रही है इसलिए भी थोड़ा सा वहाँ से भी पाइपलाइन कट जाती है इसलिए। एंड ये है हमारे अरसे बनने की तैयारी। तो अरसा है एक पहाड़ी स्वीट जो कि शादी यू में बनाया जाता है। और उसके लिए पहले चावल भिगाने रखते हैं, फिर चावल को ऐसे ओखली में कूटा जाता है एंड देन उनको गुड़ के साथ मिक्स करके तेल में तल के बना दो। बहुत टेस्टी होते हैं और मेरे फेवरेट भी हैं। सो ये मैं और ताई जी। और इनके हाथ पर हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं, रुकते नहीं है कभी। और ये डांट भी पड़ गई। सो ये कर रहे हैं मिस्टर हस्बैंड मेहनत का काम। ये जो हमने चावल कूटे थे उनको अभी गुड़ के पानी में मिक्स किया जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो और ये है हमारी मेन मेंबर। सो ये है गीता, शी इज़ माय सिस्टर इन लॉ। तो ये बना के डाल रही हैं तेल में और तेल में से निकाल रहे हैं चाचा जी। एक निकल गया है, बहुत टेस्टी होते हैं यार, बहुत टेस्टी। मेरे को तो अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है सीरियसली। सो यहाँ पर भूमि और मामू एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए, एक्चुअली वेदर इतना अच्छा होता है ना तो मज़ा आ जाता है, आसपास बच्चे हों तो माहौल और अच्छा हो जाता है। एंड शी इज सो क्यूट, आई जस्ट लव हर। ये विक्ट्री, सक्सेस, एक वन डाउन। तीन ये खराब भी हुआ, सुपर विक्ट्री। चलो तो तीन बहुत है, कुछ किन्नू डाल दो ना। किन्नू कुछ खराब भी निकल गया। ये एक और एक और एक और तीन ये रे। ओके डन, ग्रेट सक्सेस। यो सो हेज माई सिस्टर ममता। और ये सोनी के साथ खेल रही है। सोनी इसको बिल्कुल अपने पास नहीं आने दे रही थी बिकॉज वो इसे चिढ़ चुकी थी बहुत ही ज़्यादा। अभी देखो इसको ना मारेगी सोनी। सो दिस वॉज द मेन टास्क जिसके लिए हम गांव गए थे, सत्यनारायण जी की कथा। और उसके बाद हमने छोटी सी पार्टी रखी थी बिकॉज शादी हुई थी कोरोना के टाइम पे, तो फिर गांव से किसी को बुला नहीं पाए थे इसलिए हमने गांव जाके छोटी सी पार्टी रखी। एंड कोइंसिडेंसली उस दिन हमारा एंगेजमेंट को एक साल भी हो गया था तो उस खुशी में मुझे केक मिला सरप्राइज में। सो ये हैं सब लोग और अब डांस करेंगे। Mama
जग भगवानी छाना। शंभू बोले काला सर्पों की माला। अच्छा क्या कर रहे हो तुम्हें? बढ़िया बढ़िया, इसके ऊपर एक और रखो ना। फिसल रही पत्थर। सो हमारी छुट्टियां हुई ख़त्म और हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। बीच के दिन की वीडियोस नहीं बनाए बिकॉज घर पे ही थे तो फिर क्या बनाते, और एक हफ्ते बाद हमें आना पड़ा वापस बिकॉज छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो हम सब आ रहे हैं बच्चा पार्टी, सीमा दी, गीता, और हम बातें करते करते लेडीज़ और बिना बातों के कहीं रह जाए नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो ये ऐसा सा रास्ता है, कहीं कहीं पे तो अच्छा है बट कहीं कहीं पे ऐसा ही है। मिस्टर हस्बैंड पोज देने के लिए रेडी हो जाते हैं हमारी चुटकी, और ये है रास्ता, सेम रास्ता, आपको क्या ही दिखाऊं बार बार ना, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ये है ऊपर वाटरफॉल का पानी। मैंने एक वाटरफॉल का वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो प्लीज़। सो ये वहाँ का पानी आता है नीचे रास्ते में। सो ये आइडेंटिटी है कि अब हम पहुँचने वाले हैं रोड पे, क्योंकि यहाँ सब थोड़ा ही रह गया, फिर रोड पे पहुँचेंगे और गाड़ी पकड़ के हुई। सो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। Thank you.